देवास शहर के होटल व्यवसायी एसोसिएशन के पदाधिकारियों तथा सदस्यों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की गई कि सीमित संख्या में ही होटल में ग्राहकों को बैठाकर खाने की अनुमति दी जाए। बीते एक साल में कोरोना के चलते होटल व्यवसाय की पहले से ही कमर टूट चुकी है। अभी थोड़ा व्यवसाय संभला ही था कि कोरोना की दूसरी लहर के कारण प्रशासन ने सिर्फ पार्सल सुविधा की छूट के साथ व्यवसाय करने का आदेश दिया है। सभी ने मांग की है कि 25% ग्राहकों को होटल में बिठाने की छूट दी जाए। बता दें कि प्रशासन ने लगातार कोरोना संक्रमित लोगों के बढ़ने के चलते होटल और रेस्टोरेंट फिलहाल प्रशासन ने ग्राहक को बिठाने को लेकर रोक लगा दी है, सिर्फ पार्सल की सुविधा की अनुमति दे रखी है। हमें पहले तो बंद कर दिया गया, फिर छूट दी गई, कम संख्या में बिठाने की छूट दी गई। हमें जो जो नियम बता गए हमने पूरी तरीके से पहले से लेके आज तक उसको फॉलो अप कर रहे हैं, लेकिन अभी जो नया ऑर्डर हमारे जिलाधीश महोदय ने ये नए महामारी के जो केस बढ़े हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए हम होटल वालों को बिल्कुल ही बंद करने का जो आदेश दिया है वो हमारे पेट के साथ, हमारी रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ है। मैं मार्मिक अपील जिलाधीश महोदय से करना चाहता हूँ कि हमारे पीछे हमारे परिवार लगे हैं, परिवारों के पीछे जो काम करने वाले हैं उनके भी परिवार लगे हैं। पूरा एक रेस्टोरेंट से जुड़े हुए पूरे परिवारों का जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई हम चाहते हैं कि सीमित संख्या में हमें ऑर्डर दिया जाए कि हम 25% जो हमारे राज्य सचिव महोदय बोल रहे हैं हम उसमें भी तैयार हैं, हमें सीमित रूप से बिठाया जाए। जो भी ग्राहक आए हम बिठाने को तैयार हैं और शासन प्रशासन के नियमानुसार हम होटल रेस्टोरेंट चलाने को तैयार हैं। ये हमने जिलाधीश महोदय आपको होम डिलीवरी के आदेश दिए गए तो उससे सब कुछ नहीं, आप लोग नहीं उससे कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आदमी जो भी आता है रेस्टोरेंट में बाहर के लोग आते हैं जो आते हैं वो बैठ के खाना चाहता है। पार्सल आप केवल देवास वाले जो घर पर मंगा सकते हैं वो, और जो बाहर से आ रहा है जो एक्चुअली हमारा मेन कस्टमर है जो बाहर से आता है दोपहर में खाना खाने शाम को खाना खाने वो तो आ ही नहीं रहा है ना।